राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक ऐसा नेता जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की मुश्किल बढ़ा रखी है। एक समय वह था जब ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन किसानों की राजनीति में माहिर उस नेता ने किसान आंदोलन के दौरान मोदी का साथ छोड़ दिया और अब बीजेपी को सीधी चुनौती दे रहा है। हम बात उस नेता की कर रहे हैं जो राजस्थान की राजनीति का हनुमान है। जी हाँ, सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल की। किसानों की राजनीति करने वाले बेनीवाल जाट समुदाय के बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। अपने विवादित बयानों की वजह से वो काफी सुर्खियों में रहते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले वह राजस्थान में तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुट गए हैं। उनका ये दाव कितना सफल साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हनुमान बेनीवाल कौन है और राज्य की सियासत में कितना दबदबा वो रखते हैं। हनुमान बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को आड़े हाथों लेते रहते हैं। अपनी चुनावी सभा में उन्होंने गहलोत और वसुंधरा की मिलीभगत को लेकर बड़े आरोप लगाए। अपनी सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए वे इन दिनों सुर्खियों में हैं। सांसद बेनीवाल ने अपनी चुनावी सभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के शासनकाल के भ्रष्टाचारों के मामले को लेकर जमकर हमले किए हैं। उनका कहना है कि आरएलपी राजस्थान में दोनों ही दलों का तीसरा विकल्प मजबूती से उभर रही है। इसको लेकर बेनीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बेनीवाल की इस परिवर्तन यात्रा से राजस्थान की सियासत में हलचल भी मची हुई है। जाट परिवार से आने वाले हनुमान बेनीवाल किसानों की राजनीति करते रहे। अपनी आरएलपी पार्टी से 2019 में नागौर से सांसद चुने गए। इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में साथ निभाया, लेकिन किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद से बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रबल आलोचक बने हुए हैं। इससे पहले सांसद बेनीवाल 2008 में बीजेपी के टिकट से खींवसर विधानसभा से विधायक बने, लेकिन कांग्रेस से उनकी मिलीभगत के चलते उन्हें भाजपा छोड़नी पड़ी। इसके बाद बेनीवाल 2013 में निर्दलीय विधायक बने। हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव और भाई नारायण बेनीवाल नागौर की खींवसर विधानसभा सीट से हरेंद्र मिर्धा के सामने चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल नागौर के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म 1972 में नागौर के बरन गांव में हुआ था। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 1993 में ग्रेजुएशन किया और 1998 में LLB की डिग्री ली। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ की। 2008 में वह इसी पार्टी के टिकट पर नागौर जिले की खींवसर सीट से विधायक बने, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस से कथित रिश्तों के चलते उन्हें बीजेपी छोड़नी पड़ी। इसके बाद 2013 में वह इस सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। 2018 में हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी की ओर से चुनाव में उतरे और जीत दर्ज की। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हनुमान बेनीवाल का छात्र राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है। 2018 में असेंबली चुनाव से ठीक पहले बनी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भले ही तब समित वोटों पर चुनाव लड़ा हो, लेकिन अब वह बीजेपी और कांग्रेस से अलग समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन कर प्रदेश की सभी 200 सीटों पर लड़ने की यहां पर योजना बना रहे हैं। प्रदेश में उसकी तैयारी तीसरा मोर्चा बनाने की है। यहां पर अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो बेनीवाल खुद को कई बार मुख्यमंत्री पद का दावेदार जरूर बता चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।